सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला तो मीडिया के जरिए मुझे जानकारी मिली और मैं वहीं से सीधा यहाँ पे घटनास्थल पे आया। मेरी फायर डिपार्टमेंट के हेड से बात हुई और उन्होंने बताया कि उनका अंदाज़ा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज करीब 12 के करीब थे जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। एक और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से बात नहीं हो पाई है, मैं सुबह से कई बार उनको कॉल किया, वे फोन नहीं उठा रहे हैं, मगर हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे, और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी परिवार के अंदर नवजात बच्चा, नव शिशु आए तो पूरे परिवार में उसकी खुशी होती है, उल्लास होता है। ऐसे शिशु का इस तरीके की घटना में गुजर जाना मुझे लगता है परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात होता है और हमारे कोई भी शब्द सहानुभूति जो है उन परिवारों के लिए कम रहेंगी, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं और इसके अंदर दोषियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आगे से इस तरीके की घटना करने से पहले, नेग्लिजेंस करने से पहले 1000 बार वो आदमी, वो अफसर सोचेगा। ये हमारी कोशिश है। मेरी DCP को मैंने फ़ोन किया है, अभी बात नहीं हो पाई है, मैं उनसे भी कहूँगा कि जो भी इसके अंदर दोषी हैं, इसके मालिक हैं, जो इस सेंटर को चला रहे थे, उनको तुरंत जो है ढूंढा जाए और उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च की। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।